आप देख रहे हैं SKK न्यूज। सरदार मुर्दाबाद, सरदार मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद भाई मुर्दाबाद। हम लोग आई हमको 6 महीना से राशन नहीं मिलता। हमनी के गरीब आदमी बन जा, हमनी के एक कट्ठा खेत नहीं खे, दुआरे पर जात अंजात हमनी के 5 जने 7 जने के लगा देता है लोग, हमनी के खेत देता है लोग, कतल भाग भाग तनिक राशन नहीं आई बा, न तेल मिलता न राशन मिलता। हमनी के आवत अंजा, हमनी के उपास करते अंजा, एक बेरा जो अंजा मिली मिली आई तो जात अंजा, तो दुआरे पर हमनी के खेत देता है। हाँ। जाओ जाओ बताया जा रहा है कि मतलब पूरा का पूरा राशन बेच दे रहा है। हाँ, पूरा राशन बेच देता है। हाँ, किसी को नहीं मिलता। हाँ, किसी का नहीं मिलता। कितने महीने से ये खेल? 6 महीना से हमनिक नहीं मिलता। प्रधान जी, आपके वहाँ कोटे के मामले को लेकर के ग्रामीणों का प्रदर्शन चल रहा है, कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, और की क्या मामला है? हमारे वहाँ कोटा बलराम के नाम से है, और जब भी राशन उठाता है कम से कम 4-5-6 महीने से हो गया। जब भी ला रहा था अभी मिली भगत से, सारे अधिकारियों लोगों को मिली भगत से, बाहर से बाहर ही पूरा राशन भेज दे रहा है वो। हाँ। क्योंकि हम लोग का हाईकोर्ट से मुकदमा चल रहा है। हाँ। उसका स्टे मिला है, उसी स्टे पे ही वो कह रहा है हमारा स्टे मिला है, मैं जाऊं जिसको मर्जी उसको दूं, जिसको मर्जी चाहूं उसको मैं न दूं। बताया जाता है कि इस महीने जो है पूरा का पूरा गोदाम खाली चल रहा है और राशन नहीं है और बेच चुका है। हाँ, सब राशन बेच दिया है। मुश्किल से मुश्किल हमको लग रहा है कि 2-4 क्विंटल आया था, वो भी बस दिखाने के लिए कि हम लाए हैं और बांट रहा हूँ, लेकिन किसी को दिया नहीं, 2-3% दिया है। सुबह करीब 7:30 बजे किसी ग्रामीण द्वारा फोन आया था कि ये दुकान नहीं खोल रहे हैं और राशन नहीं दे रहे हैं। अटेला चोर के बारे में इस क्रम में सप्लाई इंस्पेक्टर को फोन किया गया, पता चला कि वो दुकान बंद करके गायब है। तो इसके लिए ब्लॉक स्तर के एक ADO और ADO स्तर के अधिकारी रहेंगे और साथ में सप्लाई इंस्पेक्टर, ये दोनों लोग ये कल शाम को जाएंगे, समझ की जांच करेंगे क्या स्थिति है, और वितरण 5 से 8 तक होता है तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका स्टॉक है या नहीं है, नहीं है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बेचने की बात अभी आई है, कुछ ग्रामीणों का ये कहना है कि नहीं पूर्व में नहीं दे रहा, नहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी, और आप जब पहले बता दें कि इससे 2 जुलाई में भी उन पर कार्रवाई हुई थी अनियमितता के क्रम में, इसमें माननीय चिन्हारे द्वारा इनको दुकान बाहर कर दिया गया, और बिना ऐसी शिकायतें आई हैं तो जाँच करके नियम अनुसार कार्रवाई। हाँ, और उसके बाद हम लोग जाते हैं तो भगा देते हैं, और जिला पर भी हम लोग एक आध बार गए तो जिला भी नहीं सुनता है। हाँ, कितने दिनों से ये राशन बेचने का खेल चल रहा है? ये खेल कम से कम 6 महीने से चल रहा है। पूरा का पूरा राशन, पूरा के पूरा राशन बेच दे रहे हैं, और मट्टी का तेल भी बेच देते हैं। मट्टी के तेल भी, मट्टी का तेल तो एक बूंद कोई जानता भी नहीं है कि क्या हो गया। अच्छा, और उसके बाद हम लोग अब प्रधान के पास जाते हैं तो बस प्रधान जी कहते हैं अभी शासन आएगा, शासन आएगा, शासन आता ही नहीं है। पटदार बलराम है की हरिजन जात का है, हरिजन जात का नजायज फायदा उठाकर सबको गाली तक खदे देता है, फिर कोई कुछ कहता है तो धमकी देता है कि हम हरिजन अभी बंद करवा देंगे। कोई गरीब 6 महीने से राशन न पाता है न तेल पाता है, जब भी कोई जाता है तो ये राशन आने के लिए पहले ही सब राशन भेज देता है और गोदाम में कुछ भी नहीं रहता है। कई बार अधिकारी लोग से हम लोग बातचीत किए, क्योंकि अधिकारी कोई कार्रवाई करने से डरते हैं, सब लोग कहते हैं कि हरिजन है, हम लोग नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। कल हमने DM साहब से बात किए, DM से बात किए, DSO से बात किए, लेकिन कोई आश्वासन के बाद कोई नहीं आया। पटदार को लोग दोपहर तक बैठाए दे थे, उसके बाद कोई अधिकारी नहीं आया, फिर राशन सब दे दिया, कोई राशन नहीं पाया, सब लोग